हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 9&5। हाउ आर यू ऑल? आई विश यू ऑल वुड बी गुड। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भ में शिशु को माँ की ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो बहुत पसंद आती हैं, जिनकी वजह से बच्चा बहुत खुश रहता है। और देखिए, अगर बच्चा खुश रहेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ होगी और आपकी डिलीवरी भी बहुत अच्छे से होगी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वही बातें जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो गर्भ में शिशु को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं अगर माँ करती हैं, और हमारा जानना ये बहुत ज़रूरी भी है। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना। और जो फर्स्ट व्यूअर है ऑन माय चैनल, तो मेरे चैनल को विद द बैल आइकन प्रेस सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्ट इट। देखिए फ्रेंड्स, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 1 से 9 महीने तक उसकी जो भी डिमांड होती हैं वो उसके घर वाले भी, उसके हस्बैंड भी सारी डिमांड पूरी करते हैं। इवन वो खाने से रिलेटेड हो, पहनने से रिलेटेड हो, और खाने से रिलेटेड अगर वो डिमांड करती है तो एकदम से उसकी पूरी की जाती है। रीज़न बीइंग, कई बार लोग ये भी सोचते हैं घर वाले की ये डिमांड इसकी नहीं है, ये गर्भ में पल रहे बच्चे की है। तो वो अगर चीज़ें नहीं भी मिलती हैं तो कोशिश करते हैं अपने पूरा बैस करने की कि कहीं ना कहीं से वो उस चीज़ को अरेंज ज़रूर करें। तो देखिए, जो पहला चीज़ है जो माँ की बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है वो है माँ का लाइट म्यूज़िक सुनना। देखिए, अगर आप बच्चे जब आपके गर्भ में होता है, आप लाइट म्यूज़िक सुनती हैं, गाने सुनती हैं और साथ में गुनगुनाती भी हैं, तो वो चीज़ बच्चे को बहुत पसंद आती है, उससे बच्चा बहुत खुश रहता है। और जब बच्चा खुश होता है ना तो मूवमेंट्स करना स्टार्ट करता है, आपकी टम्मी में ज़्यादा से ज़्यादा किक करना स्टार्ट करता है, जिससे कि आपको भी फील हो जाता है कि बच्चा हमारा हेल्दी है, अच्छे से मूवमेंट कर रहा है और बच्चे खुश हैं। तो देखिए, अगर आपको अपने बच्चे को खुश करना है, अपने बच्चे के मोमेंट्स अच्छे से अच्छे फील करने हैं, तो आप ईयरफोन लगाइए, हेडफोन लगाइए और बहुत ही लाइट म्यूज़िक सुनिए, साथ में आप गुनगुना भी सकते हैं, जो कि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये पहला चीज़ है जो कि आपके गर्भ में शिशु को अपनी माँ की हुई चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ भी खट्टा मीठा स्पाइसी खाना। देखिए, जैसे बताते भी हैं कि अगर बच्चे के मूवमेंट्स कम फील हो रहे हैं और बच्चे की आपको हलचल फील नहीं हो रही है, तो आप कुछ ऐसा तीखा खाइए, कुछ मीठा खाइए, कुछ ठंडा खा लीजिए जो भी आपको पसंद होता है, लाइक आइसक्रीम, और अगर आपको मीठा पसंद है तो लाइक चॉकलेट, कोई स्वीट्स भी खा सकते हैं, व्हाट एवर यू लाइक। सो अगर आपको मतलब अपने बच्चे के मूवमेंट्स नहीं फील हो रहे हैं तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। और अगर मतलब अपने बच्चे को खुश रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को स्मूथ चाहते हैं, तो भी ये चीज़ बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि आप कुछ खट्टा मीठा खाएँ, स्पाइसी खाएँ। जैसे ही आप कुछ खट्टा मीठा खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, तो आपके बच्चे अच्छे से हलचल भी करता है और बच्चा बहुत खुश फील करता है। नेक्स्ट है आपका वॉक करना और एक्सरसाइज करना। देखिए, जब आप वॉक करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा एक्टिव होता है, और इससे आपने के नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कि और जैसे ही जैसे आपकी डिलीवरी पास आती है तो आपका जो बच्चा है वो हेड डाउन पोजीशन में भी वॉक करने से आता है, साथ में एक्सरसाइज करने से भी बच्चे को बहुत खुशी मिलती है और बच्चा हैप्पी होता है। तो आप वॉक करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, जो प्रेगनेंसी में बटरफ्लाई एक्सरसाइज है और भी एक्सरसाइजेज हैं, उसके ऊपर मैं कोई वीडियो बना दूंगी। तो ये चीज़ भी बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। नेक्स्ट है अपनी बैली की केयर करना। देखिए, जब आप एक शांत लेट जाते हैं नाइट में या नून टाइम में, जब भी आपको टाइम मिलता है, आप रेस्ट करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने टमी को टेक केयर करें, अपनी टमी की मसाज करें किसी भी ऑयल से। और कई बार मतलब हम ऐसा फील भी करते हैं कि बच्चे मूवमेंट्स करते हैं, तो आपने भी देखा होगा, आप हाथ फिराते हैं, टमी की मसाज करते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं हलचल करते हैं, तो बच्चे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर आप उसकी टेक केयर करते हैं
है तो उसे लगता है कि माँ कहीं ना कहीं मेरी टेक केयर करती कर रही है और वो अफेक्शनली अटैच होता है। तो देखिए, अगर आप अपने टमी को, बैली को मसाज करते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं, तो ये चीज़ भी शिशु को आपकी गर्भ में बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो कहीं ना कहीं माँ से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट है माँ का टॉक करना। देखिए, बच्चे को माँ की, आपने भी देखा होगा कि जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है तो अगर 2 घंटे भी बच्चे को माँ नहीं दिखाई देती है तो वो रोता रहता है और वो केवल उस टाइम किसी की आवाज़ नहीं सुन पाता है, किसी की आवाज़ को नहीं समझ पाता है, केवल अपनी माँ की आवाज़ को ही समझ पाता है और अपनी माँ की आवाज़ को ही सुनना पसंद करता है। और अगर माँ उसकी उस टाइम टेक केयर करे जब वो रोता है तो वो बहुत जल्दी मतलब चुप हो जाता है और बहुत अच्छा फील करता है। ये कनेक्शन अभी से नहीं, जब से आपके गर्भ में बच्चा कंसीव किया है आपने, वो कनेक्शन आपका तभी से ही बन जाता है। तो आप अपने बच्चे से बात करें, ये आपको आपके बच्चे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी कराएगा, आपका रिलेशन भी अच्छा होगा और इससे बच्चा भी आपका हेल्दी रहेगा और बच्चा खुश फील करेगा। नेक्स्ट है आपका खुश रहना। आपका खुश रहना भी देखिए, प्लेसेंटा के थ्रू ही आपके सारे इमोशंस, सारे ब्लड सप्लाई होता है, सारे मिनरल्स बेबी को पहुंचते हैं। तो जैसा आप फील करती हैं, अगर आप सैड रहते हैं तो आपका बच्चा सैड रहता है, आप खुश रहती हैं तो आपका बच्चा खुश होता है। तो अगर आप खुश रहती हैं तो आपका बच्चा भी खुश होता है, आपका बच्चा, आप हंसती हैं तो आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं पेट में हंसता है और अच्छे अच्छे रिएक्ट करता है। तो ये चीज़ बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इसलिए जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो ये सारी चीज़ें करिएगा जिससे कि आपका बच्चा खुश रहे, हेल्दी रहे और आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ हो और साथ में आपके नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस ज़्यादा रहें। देखिए, जब आप खुश रहेंगे और आपका बच्चा खुश रहेगा तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा बनेंगे और आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ निकलेगी 9 महीने की और आपके नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो फ्रेंड्स, आप इन वैसे अपने बच्चे को खुश करने के लिए कौन सा टिप्स लेते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना द बेल आइकन। सो थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। थैंक यू। टेक केयर टू ऑल प्रेग्नेंट लेडीज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।